हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डिस्कशन सर पेपर नंबर थ्री कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सी ए आई पी सी सी दैट इज ओल्ड कोर्स क्वेश्चन नंबर वन हम लोगों ने कर लिया था जो कंपलसरी क्वेश्चन था ट्वेंटी मार्क्स का चार पार्ट थे उसके वी हैव डन इट नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू ए पार्ट फॉर एट मार्क्स एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ओवरहेड कॉस्टिंग ओवरहेड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है मशीन और रेट के ऊपर क्वेश्चन है सिंपल है राइट right? बट एक दो पॉइंट्स हैं जहां पर ध्यान देना जरूरी था पी क्यू आर लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिपार्टमेंट्स ए एंड बी ऑफ इट्स फैक्ट्री प्रिलिमिन्री एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंसिस पर एन एम पावर दे रखा है फिफ्टीन थाउजेंड स्पेयर पार्ट्स दे रखे हैं एट थाउजेंड और वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिए उन्होंने एलोकेट करके दिए हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स डेप्रिसिए इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी इन डायरेक्ट लेबर एंड बिल्डिंग मेंटेनेस राइट द फाइनल एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंसिस आर टू बी प्रीपेयर ऑन द बेिस ऑफ द अब आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स कहता है कुछ अदर पैरामीटर्स है जिनको हम लोगों ने कंसिडर करना है बिफोर वी मेक द फाइनल एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंसिस राइट क्या है वो एन इंक्रीज ऑफ टेन परसेंट इन द प्राइस ऑफ स्पेयर पार्ट कहता ये जो स्पेयर पार्ट थे इस प्राइस में दस परसेंट की बढ़ावा हो चुकी है ठीक है बढ़ चुके हैं वो आगे okay. ये जो इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट बी के लिए ए का टू थाउजेंड ही रहेगा राइट इंक्रीज इन द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम टेन परसेंट ऑन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी टू ट्वेल्व परसेंट और दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर गलती के चांसेस हो सकते हैं फिफ्टीन परसेंट इंक्रीज इन देज रेट ऑफ द इन डायरेक्ट लेबर ये जो इनडायरेक्ट लेबर है इसकी फिफ्टीन परसेंट इंक्रीज है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर डिपार्टमेंट ए एंड बी एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर्स इज एटी थाउजेंड एंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है जी उसके बाद रेशियो ऑफ किलोवॉट रेटिंग दे रखा है फ्लोर स्पेस दे रखी है आपको आगे क्या बोलता है अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट देर आर ट्वेल्व हॉलीडेज बिसाइड संडे कहता संडे को छोड़ के बारह दिन और छुट्टी है द मैनुफैक्चरिंग डिपार्टमेंट दैट इज डिपार्टमेंट ए एंड बी बोथ आर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्योंकि उसने एस सच तो कुछ नहीं दे रखा सर मैनुफैक्चरिंग है या नहीं है वर्क एट आवर्स इन अ डे एक दिन में आठ घंटे काम करते हैं ऑल द मशीन वर्क एट नाइंटी परसेंट कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर एज्यूम थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन अयर यू आर रिक्वायर टू वर्क आउट द मशीन आर एट फॉर द डिपार्टमेंट ए एंड बी राइट ठीक है सर तो सबसे पहले जब मशीन रेट की बात होती है तो मैंने क्या सिखाया सर सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो मशीन आर्स राइट मशीन आर्स कैलकुलेट किए उसके बाद हम लोग लेंगे एक्सपेंसेस राइट टोटल ओवरहेड्स आई मीन राइट और टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे मशीन आर से तो आपके पास मशीन आर रेट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो टोटल मशीन आर्स कैलकुलेट करेंगे चलो सर स्टार्ट करते हैं लिखना स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू ए पार्ट तो फर्स्ट में क्या करूंगा कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल अवेलेबल टोटल मशीन आर्स टोटल मशीन आर्स राइट अब देखो क्या बोला उसने उसने कहा सर टोटल नंबर ऑफ डेज टोटल नंबर ऑफ डेज कितने एक साल में टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 वो क्वेश्चन ने बोल रखा है अब यहां पर एज्यूम मत करना कि सर 360 सिक्सटी एज्यूम करके कर दिया नहीं क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि यू हैव टू टेक 365 सिक्सटी फाइव डेज इन अयर ठीक अब इस 365 सिक्सटी फाइव डेज में से सबसे पहले तो मैं संडे कम कर दूं क्योंकि वो तो छुट्टी है सर उस दिन तो काम हुआ नहीं माइनस नंबर ऑफ संडेज नंबर ऑफ संडेज कितने हैं सर फिफ्टी टू ठीक है अगर किसी ने फिफ्टी थ्री लेके किया तो वो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद नंबर ऑफ हॉलीडेज उसने कहा कि सर संडे को छोड़कर भी ट्वेल्व डेज की हॉलीडेज है तो हमारे पास वर्किंग डेज कितने हैं तो मैंने क्या कहा सर नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या है दैट इज थ्री जीरो वन क्लियर है ठीक उसके बाद उसके बाद मैं कहता हूं सर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे कितने एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं आठ घंटे हम टोटल एक साल में थ्री हंड्रेड एंड वन डेज जो है वो वर्क करते हैं और एक दिन में आठ घंटे तो मेरे पास टोटल वर्किंग आर्स कितने आएंगे टोटल अगर मैं बात करूं सर टोटल वर्किंग आर्स की कि टोटल मैं एक साल में कितने घंटे काम करता हूं तो वो आएंगे थ्री हंड्रेड एंड वन मल्टीप्लाइड बाई एट दैट कम्स टू टू फोर जीरो एट तो क्या सर ये मेरे एक साल के मशीन आर्स हैं टोटल ये मशीन आर्स हैं टोटल वर्किंग आर्स या टोटल मशीन आर्स जिसे मैं कह सकता हूं, नहीं सर क्यों क्योंकि उसने कहा कि सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है कि एक मशीन जो है वो एक साल में 90 पर ही काम करती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो है आपके पास 90 की राइट <coughs> right? तो आपके पास इफेक्टिव आर्स क्या है आपके पास इफेक्टिव इफेक्टिव वर्किंग आर्ट्स इफेक्टिव वर्किंग आर्ट इज टू फोर जीरो एट मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट नाइन जीरो करना चाहते हो राउंड ऑफ कर सकते हो ठीक है इफेक्टिव चलो मैं इसको ना आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा मैं यहाँ पे वर्किंग की बजाय इफेक्टिव मशीन आर्ट्स कर देता हूँ दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू पीपल राइट इफेक्टिव मशीन आर्ट्स तो यही चाहिए था ठीक है तो ये तो होगी सर एक वर्किंग क्या एक साल में टोटल कितने दिन 365 उसमें से संडेज निकाल दिए मैंने 52 उसमें से हॉलीडेज निकाल दी 12 एज पर क्वेश्चन तो तो मेरे पास नंबर नंबर ऑफ ऑफ वर्किंग वर्किंग डेज आ गए 301 आवर्स पर डे एक दिन में आठ घंटे तो 301 दिन में कितने घंटे काम करूंगा चौबीस सौ घंटे लेकिन जो मैं नाइनटी परसेंट पे काम कर रहा हूं तो एक साल में मैं कितने का, आवर्स काम करूंगा टू वन सिक्स सेवन पॉइंट टू आर्स यहाँ तक क्लियर चले आगे चलो सर उसके बाद उसके बाद मेरे पास आया सर कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट ओवरहेड्स कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ओवरहेड्स राइट तो डिपार्टमेंट uh, ओवरहेड्स में मैं क्या करूंगा सर ऊपर लूंगा uh, मेरे पास अब क्या आएगा पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स टोटल राइट डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी इज दैट क्लियर एनी डाउट्स चलो तो मेरे पास अब ओवर क्या क्या हैं सर एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर के साथ फिफ्टी uh, कितना है 15,000 का क्या इसका कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज है नहीं सर दूसरी चीज़ अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास तीन बेस हो सकते हैं क्या इसको डायरेक्ट लेबर आर्स पे कर सकते हैं नहीं सर किलो वॉट रेटिंग पे कर सकते हैं फ्लोर स्पेस पे सर ऑब्वियसली इसको हम लोग किलो वॉट रेटिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राइट तो सबसे पहले मेरे पास क्या आया सबसे पहले मेरे पास आया पावर तो इसको मैं किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा थ्री टू टू की रेशो में टोटल फिफ्टीन थाउजेंड है डिपार्टमेंट तो ए का आया सर नाइन थाउजेंड और बी का आया मेरे पास सिक्स थाउजेंड क्लियर उसके बाद सेकेंड स्पेयर पार्ट्स एट थाउजेंड अब उसने क्या कहा उसने कहा सर टेन परसेंट का इंक्रीज है इसमें ठीक तो मेरे पास स्पेयर पार्ट्स कितने हो गए स्पेयर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास हो गए सर 8800 के कोई डाउट 8800 कैसे आया 8000 थाउजेंड प्लस टेन परसेंट क्योंकि उसने दे रखा है कि 10 परसेंट का इंक्रीज है इन द स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट ठीक है ना अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा सर इसको थ्री टू फाइव की रेशियो में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने रेशियो दे रखी है हमें थर्टी थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव हंड्रेड क्लियर उसके बाद उसके बाद आ रहा है सर मेरे पास कंज्यूमेबल्स ज्यूमेबल स्टोर अब कंज्यूमेबल स्टोर की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने फाइव थाउजेंड के उसने कहा कि सर ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज है लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट बी में है ए में कोई इंक्रीज नहीं है मतलब क्या अगर ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करना है तो इसका ट्वेंटी परसेंट प्लस करना है मुझे राइट सिक्स हंड्रेड रुपीज सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट बी में प्लस होंगे तो इसका मतलब है यहां पर कितना रहेगा सर यहां पर तो रहेगा मेरे पास टू थाउजेंड और यहां पर हो जाएगा मेरे पास 3600 तो टोटल कितना 5600 सिक्स हंड्रेड को ठीक है यहां तक आगे बढ़ते हैं सर आगे उसने क्या कहा डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी अब यह पॉइंट सर जबरदस्त है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या कहा उसने कहा कि सर ओरिजिनली हम लोग 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे लेकिन अब वो डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 10% से 12% कर दिया गया ठीक है अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना क्या अगर आप लोगों ने कहा कि सर डेप्रिसिएशन तीस हजार की है उसमें दो परसेंट से हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि जो कैलकुलेट की जाएगी वो ओरिजिनल वैल्यू पे की जाएगी मतलब क्या कि सर ओरिजिनल वैल्यू मेरी एक्स थी उसके ऊपर मैंने दस परसेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज की तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आई तीस हजार की यही हुआ

मुझे जो न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो इस थ्री लाख ,00 के ऊपर करनी है एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट दैट इज मेरी जो डेप्रिसिएशन आएगी अब दैट इज थर्टी सिक्स थाउजेंड इसको अब मैं डिवाइड करूंगा किस रेशो में इसको वन इजू टू की रेशियो में मैं डिवाइड करूंगा इसको मैं डिवाइड करूंगा वन टू टू की रेशो में जो एग्जिस्टिंग रेशियो है ठीक है तो यहां पर गलती के चांस है कि सर हम लोग ओरिजिनल वैल्यू ना निकालकर हम डायरेक्टली इस पर टू परसेंट इंक्रीज कर दें दैट इज वन पॉसिबिलिटी कि, कि किसी ने गलती की हो सकती है राइट right? मैंने ये नहीं कह रहा कि सर सबने की होगी हो सकता है कि किसी से गलती होगी सो माई डेप्रिसिएशन इज नाउ थर्टी क्लियर तो डेप्रिसिएशन कितनी आई मेरे पास मेरे पास डिप्रीसिएशन आ गई सर थर्टी सिक्स थाउजेंड की अब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा सर ट्वेल्व थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर सर इंश्योरेंस ऑन मशीनरी क्या इंश्योरेंस में कुछ है सर नहीं सर इंश्योरेंस एज सच है थ्री थाउजेंड वन कोई दिक्कत नहीं है इंश्योरेंस राइट right? इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है थ्री थाउजेंड वन थाउजेंड एंड 2000 उसके बाद मेरे पास क्या आया सर उसके बाद मेरे पास आई इनडायरेक्ट लेबर दैट इज 40000 इसमें 15% का इंक्रीज है राइट right? तो मुझे इसमें 15% का इंक्रीज करना है इनडायरेक्ट लेबर में ठीक है तो कितना होएगा 6000 का इंक्रीज होगा अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करूंगा सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशियो में दैट इज 8:12 की रेशियो में तो मेरे पास जो इनडायरेक्ट लेबर है उसको मैं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एट इज टू ट्वेल्व की रेशियो में वैल्यू इज गोइंग टू बी फोर्टी सिक्स थाउजेंड क्योंकि पंद्रह परसेंट का इंक्रीज है उसमें तो एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड राइट लास्ट इज बिल्डिंग मेंटेनेंस सेवन थाउजेंड इसको फ्लोर स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सेवन थाउजेंड को फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी की रेशियो में राइट right? बिल्डिंग मेंटेनेंस ओके बिल्डिंग मेंटेनेंस को मैं किस रेशियो में डिवाइड करूंगा फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी की रेशियो में सेवन थाउजेंड इज द वैल्यू तो ये मेरे पास आया सर थ्री थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड तो मेरे पास टोटल ओवरहेड्स क्या है मेरे पास अब ऑफ द डिपार्टमेंट टोटल टोटल ओवरहेड्स टोटल ओवरहेड्स आई हैं सर फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू थाउजेंड है, तो क्या होगा सर जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आर्स, दैट इज टोटल मशीन आर्स जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किए, जो यहाँ पर कैलकुलेट किए सर टू वन सिक्स सेवन पॉइंट टू क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स के सेम ही थे टू वन सिक्स सेवन पॉइंट टू एंड टू वन सिक्स सेवन पॉइंट

अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहां पर गलती के चांसेस थे कि हम लोग गलती करते हो सकता है किसी ने की भी हो ठीक है लेकिन कोई बात नहीं सर गलती से इंसान सीखता है कोई घबराने की बात नहीं है राइट right? स्टेप्स देखो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए और हमेशा स्टेप याद रहना चाहिए कि किस स्टेप में सॉल्व करना है कुछ नहीं था सिंपल सबसे पहले मशीनाज निकाल लिए फिर ओवरहेड्स ले लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन थी नथिंग एल्स इन दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक चलो सर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेकअप करेंगे इसका बी पार्ट बी पार्ट है हमारे पास रेशियो एनालिसिस का दैट इज ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट राइट सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू सो मच